बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल ना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे प्राण पिया के कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ जो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चितवनी चर्चनी की राह पकड़ते हैं, उन सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी चौपाइयों को श्रृंगारित करने की सेवा हमारी प्यारी पूनम आकाश जी की तरफ से। पूनम जी और आकाश जी मिलकर ये बहुत सुंदर सेवा करते हैं। तो हर भूम की हूँ परम धाम के 25 पक्षों की चौपाइयां उन्होंने बहुत सुंदर बहुत प्यारी श्रृंगारित की, इसके लिए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक बार एक व्यक्ति पहाड़ पे गया, उसने देखा एक साध्वी वहां पर साधना कर रही है। उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया और पूछा, इतनी एकांत जगह पर अकेले क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने बोला, यहाँ मेरे पास, साध्वी ने बोला, मेरे पास यहाँ पे बहुत काम है। उन्होंने बोला, व्यक्ति ने बोला, मुझे आसपास कोई काम तो दिखाई देता नहीं, ऐसा कौन सा काम है आपके पास? तो साध्वी ने कहा, मुझे दो बाज दो चील को प्रशिक्षित करना है, दो खरगोशों को सिखाना है, एक सांप को अनुशासित करना है, एक गधे को प्रेरित करना है और एक शेर को वश में करना है। व्यक्ति बोला, वो सब कहाँ गए हैं इस टाइम आसपास, मैं तो उन्हें देख नहीं पा रहा हूं। तो साध्वी ने पता है क्या कहा? उसने कहा, ये सब मेरे भीतर हैं। उनके भीतर कैसे? उन्होंने बोला, बाज हर चीज पर पैनी निगाह रखते हैं, मेरी ये दोनों आंखें उन बाज की तरह हैं। उनको सिखाना है कि हर एक में केवल अच्छाई ढूंढे, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसमें से केवल अच्छाई को चुनकर ले आए और अपने अंदर उतार ले। ये दोनों हाथ चील की तरह हैं जो झपटने को पड़ते हैं, पंजों से दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं। मुझे उनको प्रशिक्षित करना है कि विनाश की तरफ ना जाकर, चोट पहुंचाने की तरफ ना जाकर, दूसरों को सुख देने की सेवा करनी है। इन हाथों से कार करना है, इन हाथों से हमें सेवा करनी है। ये दोनों पैर वो दो खरगोश हैं जो हमेशा स्वेच्छा से भ्रमण करना चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना कभी करना नहीं चाहते ये खरगोश। मुझे उन्हें दुख या ठोकर लगने की स्थिति में भी शांत रहना सिखाना है, जिंदगी की परिस्थितियों को पॉजिटिवली लेना सिखाना है। गधा जो होता है ना, हमेशा थका हुआ रहता है काम करने के लिए, कभी भी जब भी देखो जिद्दी होता है, उस पे बोझ लाद रहे हो, हमेशा वो मना करता है कि मुझे बोझ नहीं उठाना, ये वही शरीर है।
राज्य की ब्रह्म ज्ञान की जब बात आती है तो थका हुआ शरीर होता है, संसार के काम करने के लिए बहुत उत्साह होता है इसमें, परंतु जैसे ही राज्य का कोई काम आए तो अचानक से इसमें थकान भरने लगती है। तो इसको प्रशिक्षित करना है कि धनी के काम के लिए चुस्त होकर आगे बढ़े। ये जबान सांप के समान है, सबसे मुश्किल है इस जबान पर काबू करना। सांप को वश में करना सबसे मुश्किल होता है, जहां देखता है डंक मार लेता है। कभी भी किसी भी सुंदर साथ और भी कोई भी इंसान, हमेशा मीठा बोलना है। कभी भी हमारे वचनों से किसी को कोई तकलीफ ना हो, ये मुश्किल काम हम सब सुंदर साथ को आज से करना है कि मेरे मुख से, मेरे हृदय से कोई वचन ऐसे ना निकले जो किसी को तकलीफ पहुंचाए, बल्कि हमेशा मीठे वचन, मीठी वाणी बोलनी है, जिससे सुंदर साथ को हमेशा हमारी तरफ से सुख ही सुख हो। चाहे ये जबान 32 दांतों के अंदर बैठी रहती है, परंतु फिर भी किसी भी समय जहर उगलने को तैयार रहती है। तो सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ को हमेशा मेरे मीठे बोले साथ जी पर चलना है, हमेशा मीठा बोलकर पॉजिटिव वाइब्रेशंस सब सु ना केवल मुख से परंतु हृदय से भी मीठा बोलना है हम सब सुंदर साथ को। और हाँ, एक शेर भी तो है, ये अहंकार कितने गर्व की बात, इंसान का तन मिला, कलयुग मिला, कितने गर्व की बात, ब्रह्म ज्ञान मिला, परंतु ये अंदर बैठा हुआ अहंकार कहाँ चुप बैठता है। इस मैं को बाहर निकालना इस जबान से भी ज्यादा डिफिकल्ट है उसको काबू करने से। तो देखिए कितना काम है सुंदर साथ जी, इन इंद्रियों को कंट्रोल में करने में पूरी आयु निकल जाती है, परंतु धनी क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान की मिठास को अंदर उतारो, ये इंद्रियां शनै शनै अपने आप ही काबू में आती जाती हैं। तो आइए इन्हीं के साथ चलते हैं अपनी श्री छठी भूमि की तरफ। अति सुंदर हमारी छठी भूमि, जहां पर हमारे तख्तरवा और सुखपाल जी कितने प्यार से विश्राम करते हैं, और विश्राम करते हुए हमारे तख्तरवा, हमारे सुखपाल कितने प्यारे लगते हैं, मेरे धनी का व्यक्त स्वरूप। सोचे सोचिए, रात को मैं सोच रही थी बैठे हुए, सुखपाल जी को एक बार फिर से पढ़ लूं, कितने सुंदर है वो। तो ऐसा लगा कि जवाहरदास महाराज जी आकर बोल रहे हैं कि धनी का व्यक्त स्वरूप देख रहे हो ना, कितना सुंदर है। कभी उनके दिल का अव्यक्त स्वरूप देखोगे तो कितना सुंदर होगा। तो व्यक्त स्वरूप यानी के 25 पक्षों को देखते देखते कब वो इस रंग महल के एक भूम के चबूतरे के अंदर ले जाएंगे, और मेरे धनी के स्वरूप की गहराइयों उनकी तरहटी में ले जाएंगे, तो कितना आनंद आएगा। इसको देखते देखते धनी के दिल में हम वहां बैठे हैं, पर उसमें उतर के डूब कर जब देखेंगे तो कितना सुंदर वो स्वरूप होगा। जिसके हृदय का व्यक्त इतना सुंदर है, उसका हृदय, मेरे पिया का हृदय कितना सुंदर होगा सुंदर साहब जी। तो ना केवल इनको शब्द समझें, ना केवल इनको गिनती समझें, परंतु उनके हृदय में धीरे धीरे स्वयं को एक एक पग आगे बढ़ता हुआ महसूस करना बहुत जरूरी है सुंदर साहब जी। उसके बिना, क्योंकि प्रैक्टिकल के बिना साइंस में थ्योरी का कोई महत्व नहीं, थ्योरी पढ़कर प्रैक्टिकल किया जाता है, परंतु जब तक प्रैक्टिकल ना करें, थ्योरी पढ़कर ही छोड़ दिया अगर, तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, कितने प्यारे प्यारे ये चौपाइयां। हम सब पहले इनको देखते हैं कि हमारे सुखपालों के बारे में हमारे धनी ने क्या लिखा है। घरों आए पीछे सबन के, छठी भूम सुखपाल, बने बिराजे मोहल में अति बड़ी पड़साल। छठी भूमिका में बाहरी हार मंदिरों
एवं थंबों की पहली हार के मध्य की गली दहलान या पड़साल में 6001 सुखपाल रहते हैं। वनों से सायकाल आने के पश्चात सभी सुखपाल यही विराजमान हो जाते हैं। 28 स्तंभ के चौक में वृहद विमान यानी के तख्तरवा रहते हैं। तो हमें तो ये पता ही है 5999 पाखे होते हैं, तो 5999 सुखपाल तो पाखे की दीवारों के सामने और बाकी दो सुखपाल मुख्य द्वार के दाएं बाएं की आधी आधी दीवार के सामने रहते हैं। देखिए कितनी सुंदर चौपाइयां, बहुत प्यारी, इनका दर्शन जरूर कीजिए सुंदर साथ जी। भूम छठी बड़ी जाएगा है बैठ कित विस्तार, बीच सिंहासन कई विध के और झरोखे किनार। छठी भूमिका में सुखपाल और तख्तरवा जी तो हैं ही, परंतु और भी बहुत अधिक विस्तार है, बहुत सारी बैठ के अन्य स्थान है जिनमें कई प्रकार के सिंहासन कुर्सियां रखी हुई हैं। बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार पर झरोखे चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। तो ये बैठके तो हमें हर भूम में दिखाई देती हैं। ये देखिए कितनी अलग अलग प्रकार के सिंहासन, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ मणियों से युक्त और कईयों के ऊपर छत्र विराजमान, अति सुंदर। नूरी सुखपाल, चारों तरफ नूर ही नूर, नूरी हवेलियां, नूरी पड़साले, नूरी तख्तरवा, नूरी झरोखे, नूरी छठी भूम। जो दिल चाहे तख्तरवा हजार बारे ले बैठत, राज श्यामा जी बीच में आकाश में उड़त। जब कभी इच्छा होती है तो श्री राज श्यामा जी 12,000 सखियों के साथ वृहद विमान यानी के तख्तरवा पर एक ही साथ बैठ जाते हैं। यानी सुखपाल हुए हमारे, यहाँ का यदि एग्जाम्पल ले तो हेलीकॉप्टर जिसमें दो दो सखियां बैठती है, और यदि पूरा प्लेन ही बुक कर ले तो वो हमारा हुआ श्री तख्तरवा जी, जिसमें सारी सखियां एक ही साथ बैठकर रमन को जाती हैं। श्री युगल स्वरूप सबके बीच में बैठते हैं और आनंद पूर्वक आकाश में उड़कर पल भर में इच्छित जगह पर पहुंच जाते हैं, अति सुंदर। हाँ जी, तो ये देखिए सुंदर साथ जी, अब सुंदर साथ जी क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लासेस हैं, तो सबसे पहले सुंदर साथ जी हैंड रेज करने को तैयार रहेंगे और बताएंगे कि सुखपाल, अभी अभी हमने उनकी बात भी की थी, कहाँ पर विराजमान है, एग्जैक्टली उनकी लोकेशन कहाँ पर है। हाँ जी सुंदर साथ जी हैंड रेज करेंगे, सब सुंदर साथ को पता है ये, तो हैंड रेज्ड बताएंगे कि इनको सब सुंदर साथ जी को पता है या फिर दोबारा से करवाया जाए। हाँ जी, अरे वाह क्या बात है सुंदर साथ जी, वेरी गुड, बहुत प्यारा। स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, बाकी राज जी को पता है कि मैं कैसे बताऊंगी। बाहरी हार मंदिरों के मैं पहली पहली बाहरी हार मंदिरों के 7 सुखपाल लगे हैं और बाहरी हार मंदिरों में लगे हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत प्यारा उत्तर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुषमा प्रणामी जी, प्रणाम जी, इनको बिल्कुल सही बताया उन्होंने, आप इनको थोड़ा और विस्तार कर दीजिए। हाँ जी प्रणाम जी, सब सुंदर साहब जी को प्रणाम जी। प्रणाम। बाहरी 6000 जो मंदिर हैं उनके भीतरी तरफ जो पाखे की दीवार आई है उनके साथ सुखपाल एक टंगे हुए या रखे हुए मिलते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, ये पहली गली जो त्रिपोलिया की है, पहली गली में। हाँ जी, हाँ जी बहुत सुंदर सुषमा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो पाखे की दीवार पर इनका एक बड़ा प्यारा बूझो तो जाने भी आया था, पाखे की दीवार के सामने है इनका स्थान। तो मैं ना कुछ दिन पहले आपसे बता भी रही थी और ये सोच भी रही थी, पता है क्या, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी मैं ऐसा सोच रही थी और मैंने आप सब सुंदर साथ जी को बताया भी था, रात को सोचते सोचते लगा अरे ऐसे कैसे, ये देखिए। तो
ये सुखपाल जो हैं सुंदर साहब जी चैट में लिखेंगे जल्दी से कितनी इनकी लंबाई और चौड़ाई होती है। सुंदर साहब जी सुखपाल हमारे बहुत प्यारे सुखपाल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? हां जी अरे वाह बिल्कुल सही। तो 9 हाथ की तो लंबाई इधर से इधर ये लंबे हैं और 4 हाथ की इनकी चौड़ाई होती है ना। तो 9 हाथ में से ये जो पाखे की दीवार हमें दिखाई दे रही है सुंदर साहब जी इनकी मोटाई तकरीबन तकरीबन कितनी होती है? ये जो पाखे की दीवार जनरली होती है उनकी मोटाई होती है 3 हाथ। तो बीच के 3 हाथ हमारे इन पाखे की दीवार के सामने आ जाते हैं है ना। तो और बीच के 3 हाथ में सुखपाल में कौन सी लीला होती है? बीच के जो 9 हाथ में से 3 हाथ में बीच वाले 3 हाथ में क्या होता है सुंदर साहब जी क्या करते हैं बीच के 3 हाथ में? हां जी बिल्कुल सही। चरण रखने की जगह श्री सुखपाल में होती है। अब सबसे पहले एक सुंदर साहब जी पूरे सुखपाल की वो बताएंगे कि हमारे सुखपाल की बनक कैसी आई है फिर सब सुंदर साहब जी को याद आ जाएगा कि बीच के 3 हाथ कैसे दिखाई देते हैं। हाँ जी सुषमा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारे सुखपाल 9 हाथ लंबे और 4 हाथ चौड़े हैं और 4 पाए और 4 डांडे और 8 उनपे कलश कलशों की शोभा आई है नहीं 6 कलशों की शोभा और उसमें 3 हाथ में तो 3 हाथ में दोनों तरफ बैठने की जगह होती है और 3 हाथ में बीच में चरण कमल रखने की जगह होती है और पकड़ने के लिए 2-2 गोफने लगे होते हैं और 6-2 गादी 2 चाकले 5 तक 6 तकियों उसमें 6 तकियों की शोभा आई है। हाँ जी अति सुंदर। तो ये देखिए जैसे कि सुषमा दीदी ने अभी बताया अति सुंदर ये देखिए इधर से 9 हाथ का लंबा और उस तरफ 4 हाथ का चौड़ा और यहाँ पे 3 हाथ में चरण रखने की जगह दोनों सखियों की 3 हाथ में ये क्या लगा हुआ है सुंदर साथ जी लिख कर बताएंगे। सभी सुंदर साथ जी तैयार हो जाएंगे चैट में लिखने के लिए। हाँ जी हमारे इन हाथों को भी ट्रेन करना है हमारे इन शब्दों को भी ट्रेन करना है सेवा करने के लिए। हाँ जी सुंदर साथ जी यहाँ पर ये क्या शोभा आई है ये क्या है ये 3 हाथ में ये कौन सी शोभा है सुंदर साथ जी? ये भी इधर भी और इधर भी ये जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या चीज है कौन सी शोभा? ना तो ये कठेड़ा है ना ही ये गादी है सुंदर साहब जी इसके अलावा सोचिए आसन भी नहीं है सोचिए कौन सी शोभा आई है ये पर्पल कलर में। हाँ जी अरे वाह। हाँ जी नीलम मिड्डा दीदी वेरी वेरी क्लोज चौकी बोल सकते हैं इसको महाराज जी ने तखत लिखा हुआ है तखत की शोभा आई है ये और तखत केवल 1 हाथ ऊंचा तो चौकी जैसा ही होता है 1 हाथ ऊंचा हालांकि प्रॉपर वर्ड उसका तखत लिखा है बट वेरी क्लोज आंसर। तो ये जो है अच्छा सुंदर साहब जी अब लिख कर बताइए या फिर आप अभी मैं हैंड्स नीचे करती हूँ हैंड्स आप कर सकते हैं इसके लिए ये तखत का साइज क्या होगा सुंदर साहब जी बता सकते हैं कितना लंबा यहाँ से पता लग रहा है कितना लंबा कितना चौड़ा और कितना ऊंचा तो मैंने अभी अभी बता ही दिया। वेरी गुड आशीष जी अति सुंदर रेडमी जी चित्रांशी बेटा वेरी गुड आशी दीदी बहुत सुंदर। तो 3 हाथ का लंबा 4 हाथ का चौड़ा और 1 हाथ का ऊंचा हमारा ये तखत और 2 तखत भी लगे हुए हैं इसमें 1 इस तरफ और 1 इस तरफ। और सबसे पहले ये देखिए ये 4 पाए उनके ऊपर ये बन गए पूरी रत्नों से जड़ित इनको क्या बोलते हैं ईस और उपले इस तरफ लंबाई को ईस बोलते हैं तो 2 ईस 2 उपले बीच में रत्नों से जड़ित पूरी जगह उसके ऊपर आए ये 4 डांडे 4 डांडों के ऊपर छत पड़ी और उनमें ये देखिए ये मोतियों की लरें लटकती हुई और छत के ऊपर
दो गुम्मट, दो सखियां जहां बैठेंगी ना उनके ऊपर के स्थान पर दो गुम्मट, और उनके ऊपर दो कलश ध्वजा पताका, और ये तीन कलश सामने की तरफ और तीन कलश पीछे की तरफ। सुंदर साहब जी बताएंगे टोटल गुम्मट कितने हैं इसमें, लिखकर बताएंगे सुंदर साहब जी क्विकली ताकि सारे लिख सकें। गुम्मट आठ नहीं है सुंदर साहब जी, केवल गुम्मट। हां जी चित्रांशी बेटा अति सुंदर, दो गुम्मट ये वाले, ये बड़े वाले होते हैं ना सुंदर साहब जी, ये गुम्मट होते हैं। तो ये दो गुम्मट और कलश बिल्कुल सही है, छोटे वाले सारे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट ये कलश होते हैं। तो ये एक दो तीन, तीन पीछे की तरफ छह और दो इनके ऊपर भी, तो आठ कलश और दो गुम्मट की शोभा, अति सुंदर। अब जरा नीचे आ जाएं, ये क्या है सुंदर साहब जी, ये जो लटक रहे हैं ये वाले, ये क्या चीज है सुंदर साहब जी? हाँ जी नीलम मिड्डा दीदी अति सुंदर, चैट में बहुत सारे प्यारे प्यारे सुंदर साहब के प्यारे प्यारे उत्तर। ये हाँ जी ये है छत्रियां, ये जो लटक रही हैं जैसे राजी महाराज के सिंहासन के ऊपर दो छत्रियां लटकती है ना, उसी प्रकार दो सखियों के ऊपर यहाँ राजी ने ये देखे छत्रियों की शोभा यहाँ पर दी। और ये क्या है, ये वाले लटकते हुए गोफने, गोफने यानी जिनको पकड़कर हिलकर वहां पर बैठने में कितना मजा आता होगा जब ये सुखपाल आसमान में उड़ते हैं, तो इन गोफनों को पकड़ना तो वहां पर एक फॉर्मेलिटी है कि बस पकड़ के आनंद ले रहे हैं, वहां गिरता कोई नहीं, इच्छा है गिरने की, इच्छा है कि आज उड़कर नीचे जाया जाए तो अलग बात है, परंतु बिना इच्छा के गिरता कोई नहीं है वहां पर। तो ये गोफनों की भी, क्योंकि मर्यादा के लिए सब कुछ लगा रखा है। ये देखिए दो गोफने दो छत्रियां, और इनके ऊपर सुषमा दीदी ने बहुत प्यारा हमें बताया कि तखत के ऊपर पश्मी बिछौना, उसके ऊपर गादी चाकला, और ये तीन तकिए, दो दाएं बाएं और एक पीछे, एक तखत पर तीन तकिए, यानी दोनों पर मिलाकर छह तकियों की शोभा। अब आप याद रखिएगा, ये देखिए तीन हाथ की जगह में ये तखत, तीन हाथ की जगह में ये, और बीच के तीन हाथ में क्या होता है, हम चरण रखते हैं, दोनों सखियां इधर चरण रखती हैं। तो आइए अब हम जरा देखते हैं कि ये चरण रखने की जगह कहाँ पर है। ये देखिए बड़ा प्यारा लगा ये मुझे। हाँ जी तो यहां पर यदि इनको लें तो पाखे की दीवार के बिल्कुल सामने, तीन हाथ पाखे की दीवार और तीन हाथ में ही चरण रखने की जगह, और एक सखी इस मंदिर से निकल कर आई, एक सखी इस मंदिर से निकल कर आई, ये तो सही है। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ये मैं सोच रही थी रात को कि सुखपाल में पहले रमन तो किया जाए, फिर उसके बाद ही तो सुंदर साथ से बात की जाएगी। ये देखिए अब इस मंदिर की सखी तो ऑलरेडी जा चुकी हैं, तो यहाँ कौन बैठेगा सुंदर साथ जी? हाँ जी यहाँ कौन सी सखी बैठेगी, सामने वाले मंदिर से आके, क्योंकि ये तो ऐसे मन की बात कह रही हूँ, ये कहीं लिखा नहीं हुआ, ये तो आनंद के लिए बोल रही, क्योंकि ये है 6,000 मंदिर और हमारे सुखपाल कितने हैं सुंदर साहब जी, 6,000 एक सुखपाल, 6,000 यहाँ पे मंदिर पर बैठना है 12,000 सखियों ने, 6,000 मंदिर, 6,000 एक सुखपाल, क्योंकि एक में तो राजी श्यामा जी होंगे, तो 6,000 मंदिर, 6,000 एक सुखपाल, परंतु 12,000 सखियां, तो सामने वाले मंदिरों से आकर भी तो सखियां इनमें बैठेंगी ना, अति सुंदर। हालांकि ये तो श्रृंगार के मंदिर है, दिस वॉज ओनली फन पार्ट। तो सुंदर साहब जी यहाँ पर एक बात ये भी हुई थी कि ये जो हमारे प्यारे तख्तरवा है ना, इनके बारे में भी, क्योंकि सुखपाल जी के बारे में तो हम ये बात पहले भी कर चुके हैं। अब ये सुंदर साहब जी बताएंगे 6,000 ये जो मंदिर हैं, ये घेर कर कितने मंदिर आए हैं? मैं तीन ऑप्शंस देती हूँ आपको, 6,000, 6,001 या फिर 5,999। हाँ जी सुंदर साहब जी तो ऑप्शन देने से पहले ही लिख देते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, तो सुंदर साहब जी बताएंगे 6,000, 6,001
या फिर 5999। बिल्कुल सही, ये मंदिर हमारे आए हैं 5999। तो यदि मंदिर 5999 होते हैं तो पाखे कितने होते हैं सुंदर सा जी? पाखे 5999 ही रहते हैं या फिर 6000 हो जाते हैं, एक बढ़ जाता है? बिल्कुल सही सरोज भसीन दीदी, अति सुंदर। 5999 ही पाखे, 5999 ही मंदिर। तो उन पाखे की दीवारों के सामने कितने सुखपाल सुंदर साहब जी? सिर्फ पाखे की दीवारों के सामने कितने सुखपाल आएंगे, जो केवल पाखे की दीवारों के सामने आए हैं? बिल्कुल सही, 5999 सुखपाल तो पाखे की दीवारों के सामने आ चुके हैं। अब दो सुखपाल बचे, 6001 सुखपाल होते हैं, 5999 तो पाखे की दीवारों के सामने आ गए, दो सुखपाल कहाँ पार्क होंगे? जो दो सुखपाल हमारे पास बचे हुए हैं वो कहाँ पर विश्राम करेंगे सुंदर साहब जी, बताएंगे? हाँ जी, तो कहाँ पर पार्क होंगे? मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। ये जो मेन गेट है इसके दोनों तरफ बाजू के जो पाखे हैं इनसे, इनके सामने। हाँ जी, अति सुंदर, अति प्यारा, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, इनको ना हम महाराज जी का एक बड़ा प्यारा उन्होंने नक्शा दिया हुआ है, उनसे एक बार देख लेते हैं और फिर यहाँ के दरवाजे की बात करेंगे हम। ये देखिए, हाँ जी, ये देखिए, तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा नक्शा उन्होंने, महाराज जी ने दिया हुआ है, इनको बहुत ही प्यार से यहाँ देखेंगे। और ये देखिए, ये है हमारा मुख्य द्वार के अंदर का पार्ट, ये मुख्य द्वार के, मुख्य द्वार का जो मंदिर है उसके अंदर कितनी कितनी दीवार बच जाती है सुंदर साहब जी? कितने कितने हाथ की दीवार दरवाजा आने के बाद, कितने कितने हाथ की दीवार यहाँ पर बच जाती है हमारे लिए जिसपे चित्रकारी की होती है? 56 हाथ की दीवार दोनों तरफ बची होती है, तो एक सुखपाल यहाँ पर और एक सुखपाल ने तो 9 हाथ की जगह लेनी है, यहाँ तो 56 हाथ है हमारे पास, तो छोटे से फिर 9 हाथ की जगह लेकर दो सुखपाल हमारे मुख्य द्वार के आसपास अति सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, बहुत प्यारे। हाँ जी, अति सुंदर। और हाँ, ये बात बड़ी प्यारी आपने बताई कि यहाँ पर महाराज जी ने लिखा हुआ है 56 की बजाय, ये कौन से बड़े प्यारे सुंदर साथ जी को याद रहा ये लिखा रेडमी सुंदर साथ ने। हाँ जी, और कुसुम गुप्ता, कुसुम गुप्ता आंटी ने भी लिखा यहाँ पर 50-50 हाथ की दीवार, क्योंकि महाराज जी ने यहाँ लिखा है स्पेशली छठी भूमि में और नौवीं भूमिका में आधे आधे मंदिर की यहाँ पर दीवार बच जाती है। अब ये महाराज जी ने रफली लिखा है या फिर सही में तख्तरवा जी को अंदर बिल्कुल डायरेक्ट अंदर ले जाने के लिए लिखा, ये दोनों पॉइंट्स मैं आपके सामने जरूर रखना चाहती हूँ। तो आधे आधे मंदिर की दीवार बचने का मतलब हुआ, महाराज जी का लिखा हुआ मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, पहले महाराज जी की इन बात को यहाँ पढ़ते हैं। ये देखिए, ये है हमारी छठी भौम की बनक, और जब वो दरवाजे की बात करते हैं तो ये देखिए, इस दहलान में पाखे की दीवार के सामने मंदिरों की दीवार के साथ लगकर एक कम 6000 सुखपाल आए हैं। एक कम 6000 मतलब 5999। पूर्व तरफ बड़े दरवाजे के दाएं बाएं आधे आधे मंदिर की दीवार आई है। आधे आधे मंदिर की मतलब हुआ 50-50 हाथ की दीवार दोनों तरफ। यदि 50-50 हाथ की दीवार आए तो दरवाजा कितना चौड़ा हो गया सुंदर साहब जी? दरवाजे की चौड़ाई कितनी हुई सुंदर साहब जी यदि 50-50 हाथ की दीवार आए? सुंदर साहब जी क्विकली क्विकली बताएंगे चैट में,
हाँ आप खोल के भी बता सकते हैं, नो वरीज। हाँ जी बड़े प्यारे प्यारे उत्तर आ चुके हैं। हाँ जी सुषमा धामी जी प्रणाम जी, अति सुंदर। बबीता दीदी हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम। दो प्रणाम जी। मंदिर की जगह है तो एक मंदिर में तो दरवाजा आ गया और 50-50 हाथ की दीवार बची हाँ जी जहां बिल्कुल सुख पाला सही, है। अति सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी तो सुंदर साहब जी, ये जो वर्ड्स पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंगली पूरी 200 हाथ यानी दो मंदिर की जगह की चौड़ाई होती है, उसमें से 50 हाथ इधर बचे, 50 हाथ इधर बचे, तो 100 हाथ यानी बीच का पूरी जगह ये दरवाजे ने ले ली विद चौखट। 100 हाथ की चौड़ाई में दरवाजा यहाँ पर हमें दिखाई देता है, हालांकि उसकी ऊंचाई 88 और 12 जैसा कि क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया गया, परंतु आधे आधे मंदिर की दीवार बचे तो 100 हाथ में पूरा चौड़ा दरवाजा। और सुंदर साहब जी अभी हम तकतरवा के बारे में बात करेंगे कि उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है कि वो अंदर जा पाए। और एक बात मैं आपको और यहाँ पर महाराज जी के इसमें ही दिखाना चाहूंगी, तो आपके दिल में जैसी शोभा बसती है वैसी बसाइए। जो पॉइंट जिस जिसको पढ़कर सुंदर साहब के दिल में मुझे चौड़ा दरवाजा तख्तरवा जी के अंदर जाने के लिए ये बात महाराज जी की पढ़कर बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने वैसी शोभा दिल में बसाई। परंतु यदि 88 हाथ का ही दिल में बसता है तो हम वो भी बसा सकते हैं। परम धाम की शोभा में कुछ गलत नहीं होता, बस दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। चौथी भूमि में जब हम जाते हैं एक बार ये पढ़ लेंगे, उसके बाद हम तख्तरवा जी प्यारे की तरफ चलेंगे। हाँ जी ये देखिए नीचे निरत की हवेली आ रहा है ना, तो ये हम चौथी भूमि में हैं। चौथी भूमि का पूर्व का जो छज्जा है, पूर्व के विशेष हास का, उसके बारे में महाराज जी ने देखिए क्या लिखा है। इसमें सब कुछ छज्जे के बारे में वो बता रहे हैं। ये देखिए पूरा 28 स्तंभ के चौक से चलकर इस चौक के पूर्व तरफ एक मंदिर की चौड़ी रोंस को उलंघ कर आगे दो मंदिर का लंबा और एक मंदिर का चौड़ा जो मंदिर है। सुंदर साहब जी जो मैं पढ़ रही हूँ ये बताइए ये कौन से मंदिर की बात हो रही है, इसी बहाने हमारी रिवीजन होती जा रही है। हाँ जी बताइए, दो मंदिर का लंबा एक मंदिर का चौड़ा जो मंदिर है ये कौन से मंदिर की बात हो रही है सुंदर साहब जी। 28 स्तंभ के चौक से पूर्व की तरफ आ रहे हैं हम, एक मंदिर की चौड़ी गली या रौस हमने छोड़ दी, उसके बाद दो मंदिर का लंबा एक मंदिर का चौड़ा कौन सा मंदिर है। बिल्कुल सही, अति सुंदर दीपेश बेटा। हाँ जी और सुषमा त्यागी जी, भावना जैन जी, अति सुंदर। सुषमा शर्मा जी, मुख्य द्वार का जो मंदिर है नीचे बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर चौथी भौम का दो मंदिर का लंबा एक मंदिर का चौड़ा धाम दरवाजे का ही चौथी भौम का मंदिर उसके किनार पर पहुंचे। इस मंदिर के दरवाजे को उलंघ कर मंदिर के मध्य भाग जाकर यानी मंदिर के अंदर आ गए, दक्षिण तरफ देखा तो 3 अक्षी मेहराब, मध्य मेहराब में दरवाजा। ये कौन सी शोभा है सुंदर साहब जी। दक्षिण तरफ देखा 3 अक्षी मेहराब, मध्य मेहराब में दरवाजा, ये कौन सी शोभा है। हाँ जी सुंदर साहब जी कौन सी शोभा है ये। नीलम मिदा दीदी प्रणाम जी। पाके की दीवार की। हाँ जी अति सुंदर दीदी प्रणाम जी। देखिए कितनी तेज सुंदर साहब जी भागते जा रहे हैं, रंग महल में बहुत खुशी होती है। प्रणाम जी दीदी प्रणाम प्रणाम जी, जी। अति सुंदर। हाँ जी तो ये पाखे की दीवार की तरफ, इसी प्रकार उत्तर तरफ भी मतलब उत्तर दक्षिण दोनों पाखे की दीवार, सामने 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, मंदिर की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा आया है, 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा जिसके आगे कमर भर की सीढ़ी आई है। दरवाजा सीढ़ियां दीवार की मोटाई में आई हैं क्योंकि इस बड़े मंदिर के पूर्व 10 मंदिर का लंबा
दो मंदिर का चौड़ा छज्जा कमर भर ऊंचा आया है, 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, वही पूर्व के विशेष हास का छज्जा बाहर निकला हुआ। इस प्रकार बड़े दरवाजे के दाएं बाएं के मंदिर जो छज्जा के पश्चिम बराबर आए हैं उनमें भी 3 सीढ़ी उतरी, यानी छज्जा से वापिस मंदिरों में जाना हो तो 3-3 सीढ़ी दरवाजे के मंदिर में तो उतरी ही है, उन साइड वाले मंदिर दाएं बाएं के मंदिरों में भी उतरी हैं। बड़े दरवाजे में 88 हाथ की चौड़ी सीढ़ी है क्योंकि वो 88 हाथ के चौड़ाई में है, और छोटे वालों में कितनी होगी सुंदर साहब जी सीढ़ी, आपको याद है उनका दरवाजा कितना है तो उनकी सीढ़ी कितनी चौड़ी होगी? बिल्कुल सही, नहीं 33 हाथ की नहीं होगी, सोचिए, बड़े ध्यान से सोचिए, बहुत ध्यान से सोचिए, 30 भी नहीं होगी। साइड वाले जो मंदिर हैं उनमें कितनी सीढ़ी उतरेगी? साइड वाले यानी पूर्व दिशा से यदि मंदिरों के अंदर जाना हो, पहले मुझे बताइए उनका द्वार की लंबाई चौड़ाई क्या है, पाखे की नहीं पूछ रही मैं, पूर्व के छज्जे से मंदिर में जाना हो सुंदर साहब जी उसके द्वार की लंबाई चौड़ाई सोचिए एक बार ध्यान से, चौखट हटा लीजिए डाल लीजिए डजंट मैटर, उनके दरवाजा, वेरी गुड कुसुम गुप्ता आंटी परफेक्ट, क्योंकि बाहर की दीवार बिल्कुल डिफरेंट है, रंग महल की बाहरी दीवार में जो दरवाजे आए हैं 11-11 हाथ के लंबे चौड़े दरवाजे, 11-11 हाथ की लंबी चौड़े वो जाली द्वार सब वैसे आए हैं, तो उनमें जो सीढ़ी उतरेगी वो भी अंदर चौखट हम मिलाकर ही 11-11 हाथ बोल रहे हैं तो सीढ़ी भी 11 हाथ उसमें इसलिए बोलते हैं। ये देखिए, अरे वाह, तो 88 हाथ की चौड़ी सीढ़ी उसमें 11-11 हाथ की। अब यहां ध्यान से पढ़िएगा, दरवाजे को उलंग कर छज्जे पर आए, मुझे जैसे समझ में आया मैं वैसे आपको समझाऊंगी, अब छज्जे पर आ चुके हैं, छज्जा के पूर्व तरफ थंब खुले, पश्चिम तरफ अक्षी प्रथम भूम की भांति आए हैं, गुर्ज व मेहराबे भी उसी प्रकार, छज्जा पर गिलम सिंहासन कुर्सियां सब धरी हैं, इस छज्जा के अनुसार चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं भूम के छज्जा का बयान जानना जी। जैसा मेरे दिल में इसको पढ़कर आता है कि छज्जे पर आए, अब छज्जा पर आए, तो यहां से लेकर जो छज्जे का बयान हुआ है यहां से लेके पूरा यहां तक उसी अनुसार चौथी पांचवी, क्योंकि हर छज्जे पर गिलम सिंहासन कुर्सियां खुले थम बक्षी थम गुर्ज और मेहराबे इसी प्रकार शोभित हैं, परंतु यदि सुंदर साथ जी के दिल में पढ़कर ऐसा आता है कि 88 हाथ का दरवाजा भी इसी में इंक्लूडेड है तो हम छठी भूम का द्वार भी 88 हाथ का दिल में बैठता है वैसा ही मान सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार की शोभा मैंने आपको बता दी, तो जिस सुंदर साथ को जैसी शोभा प्यारी लगे, परम धाम हम सबका है सुंदर साथ जी, जिसको जैसे प्यारा लगे वो वैसे ले सकते हैं। अब सुंदर साथ जी बताएंगे क्विकली, चैट में फटाफट लिखेंगे सुंदर साथ जी, श्री तख्तरवा कितने पहल के आए हैं, हमारे जो तख्तरवा जी हैं इतने प्यारे इतने सुंदर कितने हास के आए हैं सुंदर साहब जी? अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर 16 हास के अति सुंदर तख्तरवा की शोभा, अच्छा बहुत प्यारा बहुत प्यारे उत्तर सुंदर साहब जी। बताइए अब तक 16 हास का हमने और क्या क्या देखा है, चैट में लिखना शुरू कीजिए, देखिए कितने ही हमारे पास 16 हास के, एक तो सबको ही पता होंगे, हाँ जी 16 हास के हमारे तख्तरवा जी तो हैं ही, 16 हास के वेरी गुड चह बच्चे देखे हैं हमने बड़े प्यारे, 16 हास के चह बच्चे, 16 हास के चह बच्चे कितने देखे हैं सुंदर साहब जी, हाउ मेनी ब्यूटिफुल चह बच्चाज ऑफ 16 हास, 16 हास के ही कितने चह बच्चे चाहे छोटे हों या बड़े हों, ब्यूटिफुल, जमीन पर 6 यानी कि एक ही भूम ऊपर 2 भूम गहरे,
छह छह बच्चे चार रंग महल के और फिर आगे फूल बाग से भी आगे, तो छह नीचे और चार आकाशी पर, अति सुंदर। सोलह हंस का और कुछ याद आता है सुंदर साहब जी? सोलह हंस का कुछ और याद आता है सुंदर साहब जी? अति सुंदर। हां जी हां जी, तो यदि किसी सुंदर साहब जी को याद आएगा तो सोलह हंस का वो जरूर लिखेंगे। हां जी आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, जो हमारे थंब है चार आठ सोलह, बीच वाला मध्य वाला हंस, सोलह हंस का। अरे क्या बात है, श्री रंग महल के थंब, बहुत प्यारा बताया आशी दीदी आपने। प्रणाम जी। हां जी दीपेश बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी, जो नौ फिरावा है उसमें सोलह हंस वाला महल, चार आठ सोलह बत्तीस चौसठ, फिर बत्तीस, जवेरों की नहरों में आएंगे। हां जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम जी। ब्यूटीफुल। हां जी कुसुम आंटी, प्रणाम जी। मूल मिलावे में एक खांचे में सोलह था। अरे वाह, वो भी सोलह पहल का ही चबूतरा। अरे वाह क्या बात है, सोलह पहल की हमारी हवेली, क्योंकि वो गोल नहीं है, पहलदार है वहां पे, अति सुंदर। प्रणाम जी बहुत प्यारा, प्रणाम जी। हां जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। इसी में तख्तरवा में सोलह पाए और सोलह डांडे आएंगे। अरे वाह बहुत सुंदर, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, वेरी ब्यूटीफुल। हां जी ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, हमारे जो फूल बाग नूर बाग में जो हमारे बगीचे आए हैं, उसके एक बगीचे में सोलह सोलह बगीचे, छोटे बगीचे आए हैं, तो भी सोलह में। अरे वाह ज्योति दीदी, बहुत प्यारी सुगंधी लेकर आए आप। प्रणाम जी। अरे वाह क्या बात है, सोलह पहल से सोलह के अंक पे पहुंच चुके हैं हम सब सुंदर साथ। हां जी वैशाली जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी होजपुर ताल में सोलह देवरी का गाज। हां जी अति सुंदर, बहुत प्यारा उत्तर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। वाओ ब्यूटीफुल। हो सके तो सुंदर साथ जी अब तक की शोभा के बारे में बताइए, ताकि सब सुंदर साथ जी को समझ में आएगा। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। हां जी तो जयश्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अब मिल गया होगा, पर मैं बोलती हूँ रंग महल की चारों तरफ सोलह आस के दो बच्चे, और दसवीं चांदनी पर सोलह आस के छह बच्चे। हां जी अति सुंदर, बहुत प्यारे मेन सोलह आस के लिए हमारे रंग महल में फेमस जो है वो है सोलह आस के छह बच्चे, अति सुंदर। प्रणाम जी। हां जी स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, तख्तरवा का सोलह हंस का है तो इसलिए ऊपर सोलह कलश भी आए हैं। हां जी एक ऊपर गुंबद भी आया। अरे वाह बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हां जी सुंदर साहब जी आगे चलते हैं इन तख्तरवा की प्यारी शोभा की तरफ। अब मुझे ये बताइए सुंदर साहब जी, एक एक हंस की लंबाई कितनी है, एक एक हंस कितनी लंबाई में आया है यहाँ पर, एक एक हंस लिख कर बताएंगे। हां जी 18 हाथ का लंबा एक एक हंस, 16 हंस एक एक हंस 18 हाथ का, तो टोटल ग्रिड इनकी कितनी बन जाती है सुंदर साहब जी? 18 हाथ का लंबा एक हंस, 16 हंस आए हैं हमारे पास, एक एक हंस 18 हाथ का लंबा, तो टोटल ग्रिड हमारी बन जाती है 288 हाथ की, मतलब 288 हाथ की ग्रिड। अब ये बताइए इसमें से लंबाई चौड़ाई निकाल कर बताइए, ये तख्तरवा यदि दरवाजा हमारा एक मंदिर का लंबा हो, एक मंदिर की चौड़ाई, तो क्या प्रवेश कर पाएंगे ये तख्तरवा जी अंदर?
288 हाथ की यदि ग्रिड हो तो इसको डिवाइड कर दीजिए तीन से, क्योंकि तीन से भाग देने पर हमें लंबाई चौड़ाई पता लग जाती है वृत्ताकार की, तो 96 हाथ की लंबाई चौड़ाई एक मंदिर चौड़े दरवाजे में आराम से प्रवेश कर सकती है। ये लीजिए इनको ना, मैं एक मिनट दरवाजा बनाती हूँ। सपोज ये एक मंदिर का लंबा है, इनमें मैं सोच रही थी चौखट नहीं आई होगी क्या दरवाजे में, एक एक हाथ की चौखट भी बना दीजिए इन दरवाजे में, एक एक हाथ की, जैसे कि धाम दरवाजे में आती है प्रॉपर एक एक हाथ की चौखट ऊपर नीचे हर तरफ, तो 100 हाथ में से दो हाथ, एक हाथ इधर से एक इधर से, चौखट ने ले भी लिए तो 98 हाथ अंदर जाने के लिए बचते हैं, खुला 98 हाथ का, तो 96 हाथ का तख्तरवा आराम से अंदर जा सकता है यदि दरवाजा पूरे 100 हाथ का हो। तो कितनी प्यारी ये बनक ये राजी महाराज ने बनाई, अति सुंदर। अब ये बताइए कि इन तख्तरवा में पाए कितने आए हैं सुंदर साहब जी? जितने हांस का होगा उतने ही तो पाए आए होंगे, तो 16 हांस के हमारे तख्तरवा जी, 16 ही उनमें पाए और 16 ही उनके ऊपर डांडों की शोभा, अति सुंदर। ये पहलदार नीचे बैठने के लिए जो स्थान है पूरा रत्नों से जड़ित ये स्थान, और हर डांडे के बीच बीच में ये क्या लगा हुआ है सुंदर साहब जी? एक डांडे से दूसरे डांडे के बीच में, हाँ जी क्या लगा हुआ है सुंदर साहब जी? जल्दी जल्दी से लिखेंगे, कठेड़ा, बहुत सुंदर। तो चार दिशा में राजी महाराज महाराज जी वृत्त में बताते हैं कि चार दिशा में ये कठेड़ा खुलकर सीढ़ी बन जाता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा में ये कठेड़ा खुलकर इस प्रकार सीढ़ी बन जाता है, उसके ऊपर चढ़कर जाइए, नीचे यदि खड़े हैं थोड़ी सी ऊंचाई है अगर तो, और वापस जैसे ही सारी रूहें राजी महाराज श्यामा जी ऊपर चले जाते हैं तो ये वापस से कठेड़े का अपना रूप ले लेता है, अति सुंदर और अति प्यारी ये शोभा। अब आगे जाएंगे रत्नों जड़ित स्थान और उसके ऊपर अति सुंदर गिलम बिछी हुई और ऊपर चंद्रवा की शोभा, राजी श्यामा जी के लिए सिंहासन और सखियों के लिए कुर्सियों की शोभा। और सुंदर साहब जी यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर 16 डांडे हैं तो हर डांडे के ऊपर एक कलश शोभायमान, तो घेर कर कितने कलश आ गए सुंदर साहब जी? यहाँ पे घेर कर कितने कलश की शोभा? 16, परंतु बीच में एक गुम्मट, गुम्मट के ऊपर भी कलश की शोभा और ध्वजा पताका लहराते हुए। तो बताइए टोटल कलश कितने हो गए? बिल्कुल सही दुष्यंत भैया विदुर जी ने पहले ही बता दिया, 16 कलश तो ये वाले और इन गुम्मट के ऊपर भी एक कलश आने से 17 कलश की अति सुंदर शोभा। और जब ये तख्तरवा सारी सखियों को राजी श्यामा जी को अपने आप में समा कर उड़ता है तो ऐसे लगता है कि गोल मकान आकाश में उड़ रहा हो और पूरा आकाश दिखाई नहीं देता सुंदर साहब जी, आसपास सारे पशु पंखी साथ में उड़ते हुए जाते हैं और ऐसे लगता है पूरा आसमान ढक गया हो पशु पक्षियों की सवारी से, तख्तरवा से। इतना प्यारा इतना सुंदर हमारा गगन, जब ऊपर मुख करें तो गगन और जब आसपास नजर डालें तो ऐसे लगता है पूरे पशु पंखी हमारे साथ उड़ते हुए जा रहे हैं उसी स्थान पर जिसकी इच्छा हमने राज्य के सामने जाहिर की है कि हमें वहां लेकर चलो, अति सुंदर। और आशी दीदी आपने एक प्रश्न पूछा था, वो मैं महाराज जी की वृत्त में ढूंढ रही थी कि उसका उत्तर कहीं ना कहीं महाराज जी ने जरूर दिया होगा, तो मैं आपको वो ढूंढकर अभी दिखाती हूँ, उसके बाद हम दीपेश जी के पास चलेंगे, उन्होंने बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाई है एक, तो वो उसके बारे में जरूर हम सब सुंदर साहब जी को बताएंगे भी। हाँ जी, तो सुंदर साहब जी एक मिनट, हाँ जी मैं एक मिनट महाराज जी की वृत्त खोल के आपको दिखाती हूँ।
कि आशी दीदी ने इतना प्यारा एक प्रश्न पूछा था, उससे दिल में इतनी खुशी हुई जब वो मिला ना सुंदर साथ जी, वो वाली शोभा, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, बस 2 मिनट लगेंगे। उसका मैंने पेज नंबर नोट करना मैं आज भूल गई हूँ, 6ठी भूम पे थे तो वापस हमें जाना पड़ेगा। 3री भूम का एक बड़ा प्यारा प्रश्न दीदी ने पूछा था, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। ये देखिए, गोल हवेली, हाँ जी 3री पर हम आने ही वाले हैं सुंदर साथ जी। अरे वाह, कितना अंदर एक वो होता है ना कि पता नहीं कौन सी शोभा राजी महाराज खोल देंगे किस प्रश्न के माध्यम से, ये तो वही जानते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, भूलबनी में आ गए और यहाँ पर हम आ चुके हैं 3री भूम में। ये देखिए उन्होंने क्या लिखा है 3री भूम के बारे में। दीदी आपने ये पूछा था कि जो 10 मंदिर की दहलान होती है तो क्या वो मंदिर पूरे तौर पर हट जाते हैं या फिर उनमें थंब बने रहते हैं, तो मेरे मन में भी ये सवाल होता था। तो इसके बारे में देखिएगा, महाराज जी ने एक ही शब्द लिखा है पर बड़ा सुंदर लिखा है। ये देखिए दहलान के बारे में, हाँ जी, तो एक्चुअली यहां पर तो मुझे मिल जाए आई होप, उन्होंने लिखा था कि जो जाली द्वार आए हैं ना, हम 3री भूम का मैं एक नक्शा दिखाती हूँ सुंदर साथ जी। आज थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि कार्यक्रम हल्का सा हमारा लेट 15 मिनट शुरू हुआ था, तो मैं आपको एक नक्शा दिखाती हूँ सुंदर साथ जी 3री भूम की। आपको याद है ना 3री भूम की दहलान, आई एम श्योर मुझे भूल सकती है पर प्यारे सुंदर साथ जी को नहीं भूल सकती वो। ये देखिए, ये है हमारी 3री भूम की अति सुंदर पड़साल और फिर उसके बाद दहलान, इनकी बात हो रही है सुंदर साथ जी। ये जो 3-3 मंदिर दाएं बाएं आते हैं, ये 3-3 मंदिर जब हमें बोलते हैं ना जगह चाहिए हो तो मंदिर हट जाते हैं, दहलान बन जाती है। तो वो दहलान कैसे कंप्लीटली मंदिर हट जाते हैं, तो महाराज जी ने उसके बारे में पता है क्या लिखा है, जाली द्वार हट जाते हैं। यानी के 10वीं भूम की दहलान आपने देखी है ना सुंदर साथ जी कैसी होती है, बीच में तो अक्षी दीवार और साइडों में खुली जगह। 9वीं भूम की दहलान हमने देखी तो उसकी पश्चिम की दीवार तो आई हुई है, पूर्व और पाखे की दीवारें नहीं आई, केवल थंब आए हुए हैं। अब 3री भूम की, ये 3 मंदिरों का क्या होता है, तो महाराज जी ने केवल एक लाइन लिखी, जब चाहिए होता है जाली द्वार हट जाते हैं। जाली द्वार पता है कितने आए हैं सुंदर साथ जी, इस तरफ जाली द्वार कितने आए हैं सुंदर साथ जी बताएंगे, कितने जाली द्वार एक मंदिर से हट जाएंगे। अरे वाह, कितनी जगह बन गई, 6 जाली द्वार एक मंदिर के हटे और जो द्वार हैं 2 दरवाजे उनको खोल दीजिए वो भी खुली जगह बन गई, जाली द्वार वैसे ही हट गए, तो 8 जगह से वो मंदिर, यदि दरवाजे खोल दीजिए 2 द्वार 6 जाली द्वार हट जाएं तो 8 जगह से वो मंदिर खुला हुआ दिखेगा आपको। तीनों मंदिर 8-8 जगह से खुले हुए दिखें तो किस प्रकार वो दहलान का लुक वहां पर देते होंगे, और पाखे के भी सारे दरवाजे खोल दीजिए तो कैसी दहलान का वो सामने आता होगा। मैं कल ना आपको ढूंढ कर भी बताऊंगी कि महाराज जी ने एग्जैक्टली लिखा है कि जाली द्वार हट जाते हैं, तो केवल जाली द्वार हटने से वहां दहलान का किस प्रकार का लुक आता है, ये हम सब सुंदर साथ आपस में जरूर सहूर करेंगे। थैंक यू सो मच, आप इतने प्यारे प्रश्न पूछते हो और राजी महाराज कोई ना कोई प्यारी सी शोभा जरूर खोल कर लाते हैं, कभी किसी सखी के माध्यम से कभी किसी सखी के माध्यम से। अब मैं दीपेश जी को जरूर बुलाना चाहूंगी, हालांकि हम लेवल्स पे बहुत सारी बातें हैं परम धाम के लेवल्स पे बात करने के लिए, परंतु इनिशियल स्टेज में जो दीपेश जी ने हमें बनाकर भेजा है ना, हम उनकी तरफ चलते हैं। हाँ जी, यदि दीपेश बेटा आप फ्री हैं तो मैं ये खोल भी रही हूँ, हमारे दीपेश जी ने बहुत प्यारी ड्राइंग बनाई है इसके बारे में। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, ये एक और दूसरा वाला निकालिए तो पहले, फिर बाद में ये करें। सुंदर साहब जी, ये पता लग गया होगा आप सबको कि ये दूजी बम के जो सुंदर खड़ों के लिए आए है, उस पर परसों 4-5 दिन पहले एक शोभा हमने बसाई थी, सब जने मिलके सहूर किया था कि जो ये छज्जा है वो तो धाम के छत से एक सीढ़ी नीचे आया है, तो ये भूलवनी ये जो खड़ोकली के मंदिर है उसकी टोटल ऊंचाई और इस तरफ रंग महल की तरफ के मंदिरों की ऊंचाई में समानता है या इनके छत एक रूप मिलान की है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम अभी धाम चबूतरे पर अगर हम खड़े है, धाम चबूतरे पर खड़े है तो खड़े है और जो एक रोस आई है ना जो हमारे खड़ोकली के दीवार और मंदिर के बीच में, रंग महल के मंदिर के बीच में, जब वहां से खड़े होकर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारे 99 हाथ पर ऊपर पुल बना हुआ दिखेगा। ये पुल जो ऊपर आया है वो नूरमय पुल जो है वो 99 हाथ ऊपर दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम इस तरफ इसके बगल वाला जो मंदिर है, जो रंग महल की मंदिर है, वहां से अगर हम ऊपर की तरफ छत को देखेंगे तो वो 100 हाथ का ऊपर दिखाई देगा, मतलब टोटल 100 हाथ का वो मंदिर का हाइट दिखाई पड़ेगा। अब चलते हैं दूजी बम में, प्रथम बम में, मतलब जो फर्स्ट फ्लोर में, वहां पर अगर हम चलते हैं तो वहां पर महाराज जी ने, वैसे मैंने ढूंढा लेकिन पाया नहीं, अब दीदी तो पूरा उसमें ही खोई रहती है, वहीं पर शब्दों में ही खोई रहती है। तो वहां पर महाराज जी ने बताया है कि एक हाथ मोटी दीवाल आए, एक हाथ मोटी छत पड़ी है जो रंग महल की भूमि है उसके मध्य में एक हाथ मोटी छत पड़ी है। तो ये जो एक हाथ मोटी छत होती है, ये एक हाथ मोटी छत होती है दूजी भूमि के गिने जाते हैं, मतलब इस छत के ऊपर से हम ऊपर दूजी भूमि के एक तरफ जाएंगे तो 99 हाथ बनता है, जो दूजी भूमि के छत है वहां तक 99 हाथ का बनता है। ऐसे ही 99 99 करके ऊपर 10वीं 9वीं बम तक ऐसे 99 हाथ पर चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो पुल बने वो पुल तो एक, अब जैसे सिर्फ यहाँ पर नहीं पूरा रंग महल को ही हम देखे तो जो 33 हाथ का जो छज्जा बना है ना, उस छज्जे पर जाने के लिए एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है। तो ये जो पुल है, जो खड़ोकली की तरफ की पुल हो या फिर बाकी के 33 हाथ के छज्जे हो, ये तो एक सीढ़ी नीचे आए जो कि छत, जो एक मंदिर एक हाथ की मोटाई छत है, उस छत में से एक सीढ़ी नीचे उतरकर हमें यहाँ पर आना पड़ता है। तो इस तरह से खड़ोकली की जो मंदिर आए वो रंग महल के मंदिर से एक हाथ छोटे आए करके हमने किया था और उसी पर ये राज जी ने बना दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। दीपेश जी इस पर सहूर भी चलेगा, और दीपेश बेटा मुझे ये देखकर बहुत बहुत खुशी हुई कि हमारे आज का युवा वर्ग एडवोकेट दीपेश ढकाल, अति सुंदर बेटा, बहुत प्यारे प्रोफेशन में तो आप इतना सुंदर कर ही रहे हैं। राज्य की सेवा में देखिए, एक दिन बात हुई और हमारे बेटे ने देखिए कितनी प्यारी ये ड्राइंग्स हमें बनाकर भेज भी दी। इस पर बहुत सुंदर सुंदर नक्शे जल्दी ही राज्य की मेहर से आने वाले हैं। अति सुंदर सेवा आपके चरणों में, हम सब सुंदर साथ जी की तरफ से कोटान कोट प्रणाम जी। जल्दी ही आप सब सुंदर साथ के साथ ये शेयर भी कर दिए जाएंगे। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलेंगे अपनी प्यारी श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई की तरफ। और हाँ, एक बड़ी प्यारी शोभा जो अभी अभी कल ही मुझे मिली वो तो मैं बताना भूल ही गई, परंतु आज तो समय हो चुका है तो कल जल्दी जुड़िएगा क्योंकि पहली बात वहीं से शुरू होने वाली है। तो डोंट मिस टुमारोज क्लास, और वो भी बिगिनिंग से जुड़ जाइएगा क्योंकि इतनी सुंदर एक शोभा मिली है कि आई कांट टेल यू। बहुत बहुत दिल को आनंद और बड़ा आराम आ जाएगा कि हमें उधर की तरफ भागना नहीं पड़ेगा, अब हम बहुत पास से ही वो फैसिलिटी राज्य ने हमें दे दी है, अति सुंदर। और एक सुनीता दीदी, आपने बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा था कि श्री परम धाम में क्या
गुसल खाने की कहीं पर वृत्त में बात आई हुई है, स्पेशली श्री रंगपर वाली मंदिर में, तो कल महाराज जी की वृत्त मैंने पढ़ी, मूल वृत्त पहले मेरे पास नहीं थी, जैसे कि हमारे प्यारे सतगुरु सरकार श्री बताया करते थे। जी हाँ, श्री रंगपर वाली मंदिर में उन्हीं की दक्षिण की मोटी दीवार के आसपास जो 56 हाथ की दीवार है, एक 56 हाथ की दीवार में एक और दूसरे 56 हाथ की जगह पे दो गुसल खानों की भी महाराज जी ने वहां पर अति सुंदर बात की है। सतगुरु जो कह जाएं वो तो चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, वो हृदय पट पर जरूर लिखा जाता है। ऐसे प्यारे सतगुरु सरकार श्री के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं बहुत सुंदर श्री मुखवाणी की चौपाई की तरफ। हमेशा सुंदर साथ जी को एनकरेज करने के लिए बैठकर 5 मिनट सुनिए जरूर और अप्रिशिएट कीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी, तो आइए। अरे वाह, हमारी प्यारी आशिमा जी त्रिपोलिया टीम से, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 24 चौपाई 5 से, देखिए कौन सा खजाना राजी महाराज उनके दिल में उड़ेल कर लाए। प्रणाम जी आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथियों, प्रणाम। आज की चौपाई हमारी प्रकाश हिंदुस्तानी से ली गई है और प्रकरण नंबर है 24, चौपाई नंबर है 5। पर जब लग दया तुम्हारी ना होए, तब लग काम ना आवे कोए, ए परीक्षा में करी निर्धार, देखे सबके शब्द विचार, देखे सबके शब्द विचार। अर्थ, किंतु जब तक आपकी प्रेम भरी दया या कृपा ना हो, तब तक चितवनी सेवा और पुरुषार्थ आदि से भी कोई विशेष लाभ नहीं होता। मैंने इस बात का अच्छी प्रकार से परीक्षण किया है तथा सभी मनीषी जनों के कथनों पर विचार करके मैंने यह निर्णय किया है कि आपकी कृपा ही सर्वोपरि है। भावार्थ, उपरोक्त चौपाई के कथन का आशय यह कदापि नहीं लेना चाहिए कि चितवनी और सेवा का कोई महत्व ही नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि आत्म जागृति के लिए ज्ञान, प्रेममय चितवनी और सेवा का कोई विकल्प ही नहीं है। श्री मुखवाणी किरंतन 79 प्रकरण का 14 चौपाई नंबर के कथन के अनुसार कृपा करनी माफक और कृपा माफक करनी को ध्यान में रखते हुए हमें निष्काम भावना के साथ प्रेम चितवनी और सेवा के कार्य में इस आशा के साथ लगे रहना चाहिए कि जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। हाँ जी, इंग्लिश का है इसका वर्जन, इम्पोर्टेंस ऑफ कृपा ग्रेस। But unless there is your loving kindness, kripa, there is no special benefit from chitvani, seva, and spiritual efforts, etc. I have thoroughly examined this matter, and after considering the statements of all sages, I have decided that your grace or meher is the most important thing. The meaning of the statement of the above verse should never be taken that there is no importance of chitvani and selfless service or seva. The reality is that there is no substitute for knowledge, chitvani, or love-filled meditation and selfless service for self-awareness. In keeping with the statements kripa karni mafak and kripa mafak karni from Sri Mukhvani Kirantan 79-15, we should engage in the tasks inspired by love-filled chitvani and seva with a selfless spirit, with a positive hope that when you will show, then I will see. Sundar Sahib ji, इस चौपाई में महामती जी कहती हैं कि राज्जी की कृपा ही सबसे बड़ी है, सर्वोपरि है। चाहे हम दिन रात वाणी मंथन करें, निष्काम भाव से
सेवा करते रहें, प्रेममय चितवनी में डूबे रहें, परंतु जब तक धनी की मेहर नहीं होगी हमें उनका दीदार नहीं हो सकता। उनके लिए इश्क आना, उनके लिए विरह में तड़पना, यह सब उनकी ही मेहर से होगा। मेहर तो उनकी पल पल बरस रही है, यह तो हम पर है कि हम माया की नींद से जागे हैं और उसका कितना प्रयास कर रहे हैं, अर्थात हमारी करनी क्या उनकी मेहर के लायक है। ये हम सभी को सोचना है सुंदर साथ जी। सभी मनीषी जन, महामती जी के अनुसार सभी मनीषी जन जप तप व्रत करके हार गए और वे फिर भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को न खोज पाए, तो राज्य की मेहर तो बातूनी है, या गुज रूप से कह सकते हैं कि हम सब पर होती ही रहती है, बस माया की नींद हम पर हावी हो जाने के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते। इसीलिए हमारी करनी एक ब्रह्म सृष्टि की जैसी हो जाए, ऐसी चाहत है, ऐसा प्रयास करना चाहिए ताकि हम धनी के मेहर के पात्र बन जाएं। फिर देखिए राज्य कैसे हम पर मेहर नहीं करते और इस खेल में रहते हुए भी हमें विध विध प्रकार के सुख देते हैं जिससे हमारी आत्मिक दृष्टि खुल सकेगी। उनकी कृपा हमारी करनी के हिसाब से होती है, ऐसा हम सभी को मालूम है। किरंतन की चौपाई में लिखा है, कृपा माफक करनी, करनी कृपा माफक, ये दो माफक अंकुर के कई कृपा जात न गिनी। तो सुंदर साथ जी, हमें ये प्रण लेना होगा कि हमें वाणी मंथन, सेवा और चितवनी की राह पर पूर्ण समर्पण से, सच्ची लगन से, प्रेम और निष्काम भाव से आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। और जब हमारे पिया प्राणनाथ जी की इच्छा होगी, जब हमारे प्राण वल्लभ की इच्छा होगी, तो इस स्वप्न के ब्रह्मांड में रहते हुए भी वे हमें परातम की लीला के सुख देने लगेंगे। इसलिए उनसे हमारी हमेशा से यही अर्जी थी, यही अर्जी है और यही अर्जी रहेगी कि जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी मैं नजर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। हमारी प्यारी आशिमा को हमने चर्चनी में इतनी सुंदर सुंदर शोभाओं को पहले अपने दिल में बसाकर फिर सुंदर साथ के दिल में बसाते तो सुना है, देखा ही है, परंतु श्री मुखवाणी की चौपाई का इतना प्यारा मंथन उनके मुख से सुनकर आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि राजी महाराज एक एक सुंदर साथ कैसे खड़े होकर राजी का संदेश हम सब सुंदर साथ के दिल में पहुंचा रहे हैं। अति सुंदर आशिमा आप जरूर, मैं और क्या क्या कहा जाए, मल्टी टैलेंटेड है हमारी आशिमा। पहले उनको कहा कि अब आप है ना गाने की तरफ भी ध्यान देना, आप इतना प्यारा गाते हो, आप इतना प्यारा लिखते हो, अभी दिल ऐसा कर रहा है कि आप श्री चौपाई मंथन भी जरूर करते रहना, क्योंकि राजी की बहुत प्यारी मेहर है आप पर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं एक बात कहना चाहती थी कि आशीष भैया ने इतना हेल्प किया मुझे, मुझे इतना ज्ञान नहीं था लेकिन मैंने अपनी तरफ से जितना भी पढ़ा उन्होंने ही मुझे सारा क्लियर किया और दोबारा से उसको कंफर्म किया कि ऐसे बोलना है, ये बोलना है। तो थैंक यू आशीष भैया, थैंक यू सो मच। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। तो सुंदर साथ जी, जब आशीष ये मीटिंग कंडक्ट करते हैं अगले 5-6 सुंदर साथ के लिए, तो किसी भी सुंदर साथ को किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता चाहिए हो वो जरूर आए। सहायता नहीं, एक्चुअली अरस परस है ये तो। और जय, मुझे इतना प्यारा लगा ये जो आपने आज बोला ना, देखूंगी नैन नजर जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। तो सुंदर साथ जी, हमें लगे रहना है, परंतु वो यहाँ पर बोलते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, हमारे तो राज्जी देने के लिए बैठे हुए हैं, तो कौन सा फल किस रूप के लिए कब आ जाएगा ये उस रूप के मुखार बिंद से उसको बताना नहीं पड़ेगा, उसके मुख के तेज से आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर राज्जी ने कौन से खजाने भर दिए हैं। तो हमारी किरण आंटी से भी दो शब्द सुने बिना रह नहीं पाएंगे। किरण आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने इतना प्यारा वर्णन कर दिया, हमारी आशिमा ने तो कमाल ही कर दिया, सच कह रही हूँ।
बहुत ही सुंदर। बस मैं इतना कहूंगी कि इसमें हमें एक शिक्षा मिल रही है कि हमें अपना चितवनी करते ही जाना है, सेवा करनी ही करनी है। हमें वो बात जैसे कहा ना, फल की इच्छा मत कर इंसान। राज्जी तो देने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि राज्जी नहीं देंगे। हाँ, हमारा दिल कैसा है, हमारा हम कैसे चितवनी प्रेम से कर रहे हैं या सेवा, सेवा तो कर रहे हैं, बहुत से सुंदर सा सेवा भी करते हैं, चितवनी करते हैं, लेकिन यदि कठोर दिल से करेंगे तो शायद उतना फायदा नहीं होगा। राज्जी की मेहर हमारी चुपाई, तुमने बोली करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ये दो माफक अंकुर के, है ना। तो हमारा परम धाम का अगर अंकुर है, हम प्रेम से चितवनी कर रहे हैं, प्रेम से सेवा कर रहे हैं, प्रेम से वाणी मंथन कर रहे हैं, तो राज्जी अवश्य ही हमें देंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि राज्जी हमारे ऊपर मेहर ना करे। वो देने के लिए आए हैं तो हमें दीदार देंगे तभी। बस हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए, थोड़े दिन हो गए, व्यापारी नहीं बनना, बनिया नहीं बनना, कि इतना टाइम हो गया हमें करते हुए तो राज्जी दीदार क्यों नहीं दे रहे। राज्जी अवश्य ही देंगे। तो हाँ, हमें ये रखना है, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। जब राज्जी दीदार देना होगा वो दे देंगे। हमें अपना काम करना है तो करते जाना, पुरुषार्थ करना ही करना है, रुकना नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर आपके शब्दों में, ऐसा एक राज्जी महाराज ने वो प्रेम और आशीर्वाद भरा हुआ है कि लगता है कि सुनकर सभा संपूर्ण हुई। आज की ये राज्जी की जो बैठक है वो संपूर्ण हुई। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। किरण आंटी, आशिमा जी, आप ही मिलकर जयकारा भी लगाइए। प्रणाम जी। लगाओ आशिमा, लगाओ। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।